हेलो 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 प्रिंस कुमार गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग देखो तो जैसा कि हम रोज पूछते हैं क्या पूछते हैं कि लाइक आपका ये हुआ कि नहीं लाइक लास्ट डे लास्ट डे सबसे तो पहले तो गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग एवरी वन ठीक है तो ओके okay, देखो तो क्या हुआ हम लोग का हम लोग का आ, क्लास में तो नहीं थी शायद अच्छा चलो नहीं गुड इवनिंग गुड इवनिंग अगेन गुड इवनिंग प्रिंस कुमार गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग चलो राजपूत आदर सिंह हेलो हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी तो बता दो जल्दी से लास्ट डे आप लोग अपना पढ़ाई किए हो ठीक है टाइम वेस्ट नहीं किए ना या तो पढ़ाई किए हो या तो पढ़ाई किए हो या तो रिविजन किए हो ठीक है इस दोनों में से कुछ किए हो ना या फिर दोनों किए हो तो बहुत बढ़िया ठीक है दोनों किए हो तो बहुत बढ़िया ओके चलो कुमार रवि गुड इवनिंग गुड इवनिंग आदर्श सिंह गुड इवनिंग चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं हम लोग पढ़ रहे थे अपना लिक्विड सोल्यूशन पढ़ रहे थे इसमें हम लोग थ्यूरी पढ़ लिए थे अब हम लोग का टाइम था क्वेश्चन का ठीक है तो हम लोग कहाँ से क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर चुके थे क्वेश्चन नंबर फोर कर चुके थे ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव पे थे हम लोग ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव भी कर लिए थे ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स पे थे शायद

ठीक है प्लीज पढ़ना प्लीज पढ़ना प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करना प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करना ओके okay? प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करना ओके okay? ठीक <coughs> <coughs> है देखो

सेमी जल्दी से बताओ कौन से मॉलिक्यूल पास होता था? 2020 में पूछा गया है हम डिटो एग्जैक्ट वर्ड यूज किए थे कि कौन सा मॉलिक्यूल्स पास होता है मेरा सेमी मेम्ब्रेन से? कौन सा मॉलिक्यूल मेरा पास होता है जल्दी बताओ बी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ठीक है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हम लोग का पास होता था देखो हम आपको अगर पीछे पीडीएफ दिखाएंगे तो एग्जैक्ट सेम वर्ड हम लोग का लिखा हुआ है ठीक है हम लोग का एग्जैक्ट सेम वर्ड लिखा हुआ था थ्योरी में हमको इतना याद है कि हम आपको बताए थे ठीक है जहां पे ऑस्मोसिस के बारे में बात हो रही थी देखो यहां पे देखो क्या है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है ना यहां पे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है ना ठीक है तो देखो एग्जैक्ट सेम वर्ड था सेम वर्ड आया वहां पे, तो इसीलिए जब थ्योरी पढ़ाया जाता है तो उस समय अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ठीक है बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए चलो तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हो जाएगा इसका आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर दे दिया हम लोग को आई का वैल्यू दे दिया ठीक है वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू दे दिया वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू दे दिया देखो हम आपको केस बताए थे किसका एन का बताए थे विपुल कुमार बिट्टो हेलो सर आजा आजा कॉपी पेन लेके बैठना सब ठीक है कॉपी पेन लेकर बैठना <coughs> तो हम लोग किसके बारे में बात किए थे कि वैसा मतलब जो अगर मानो एन तो सी क्या है ये एन एस सी एल क्या है और में, बट कुछ कुछ ऐसा भी कंपाउंड होता है जो कि पूरा डिसोसिएट मेरा नहीं होता है तो वो सब कंपाउंड का क्या करते हैं हम लोग हम लोग उसको केमिकल इक्वेरियम का थोड़ा सा हेल्प लेके करते हैं. कैसे करते हैं आओ देखते हैं तो देखो ये क्या है ये है बी ए एन ओ टू टू ठीक है ठीक है यह है यहां पे क्या है एनओ थ्री होना चाहिए ना ऐसा तो यह टूटेगा क्या है मेरा यह टूटेगा यह टूटेगा किस में यह हम लोग का टूटेगा बी ए टू प्लस में बी ए टू प्लस में प्लस एनओ थ्री टू थ्री में ठीक है यहां पे दो है तो बस बैलेंस किया हम लोग यहाँ पे टू माइनस कर दो तभी ये इक्वल होगा ठीक है ऐसा अब देखो क्या होगा अब देखो क्या होगा एट द रियक्शन रियक्शन टू जीरो कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ होगा ये कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ होगा ना ठीक है और क्या होगा एट टीज इक्वल टू टी जब मेरा इक्विलिब्रियम आया होगा तो ये कितना बना होगा मान लो ये वन था ये कुछ भी नहीं था अब क्या होगा ये वन माइनस अल्फा तो अल्फा बना ये टू अल्फा बना ठीक है तो जो भी मेरा इक्विडीडियम पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है वही क्या होता है मेरा वही मेरा आई होता है तो आई का वैल्यू कितना आ गया इसको जोड़ दो टू अल्फा अल्फा थ्री अल्फा वन माइनस अल्फा प्लस थ्री अल्फा क्या हो गया वन प्लस टू अल्फा हो गया ठीक है अब वन प्लस टू अल्फा किसके इक्वल है आई हां शायद चैप्टर का थ्योरी इंड है अगर लास्ट में, में एक बार चेक कर लेने दो आ, अब सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है लॉन्ग भी है ना लॉन्ग का लॉन्ग भी है शायद ठीक है तो देखो थ्योरी इंड है चैप्टर का ओके देखो तो ये क्या है वन प्लस टू अल्फा वन प्लस टू अल्फा का वैल्यू किसके इक्वल होता है आई के इक्वल होता है तो आई का वैल्यू दे दिया हम लोग को क्या टू पॉइंट सेवन फोर ठीक है और हमको अल्फा ही चाहिए ठीक है हमको अल्फा ही चाहिए तो क्या हो गया वन प्लस टू अल्फाइन इज इक्वल टू टू पॉइंट सेवन फोर टू अल्फाइन इज इक्वल टू टू पॉइंट सेवन फोर माइनस वन अल्फाइज इक्वल टू टू पॉइंट सेवन फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू ये कितना आ गया ये आ गया 1.74 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.87 अब ये फ्रैक्शन में आया 0.187 अल्फा क्या होता है मेरा 0.87 फ्रैक्शन में आया परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया मेरा 87% परसेंट आ गया ओके ठीक है, देखो तो ऐसा ठीक है देखो पहले ऐसा आएगा आपको क्वेश्चन कि मान लो जैसे कोई कोई ऐसा ऐसी हम लोग का साल्ट होगा ये सब क्या है मेरा सोल्ट है तो सोल्ट क्या होता है बहुत सारा सॉल्ट क्या होता है जैसे मान लो एनएसएल है ठीक है ये हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन हो जाता है क्या होता है हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन हो जाता है बट बहुत सारा सॉल्ट ऐसा भी होता है जिसका हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन नहीं होता है ठीक है एट का क्या होगा बी होगा आंसर एटी सेवन परसेंट आया ना ठीक है तो ये देख लो कि ऐसा आपको आ सकता है एग्जाम में तो क्या करोगे सिंपल केमिकल इक्विलिब्रियम का जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मेरा आई क्या होता है ठीक है तो हम थ्योरी में डिस्कस किए इसके बारे में ओके okay? चलो नेक्स्ट क्या बोलना है कि व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ठीक है तो देखो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता था ठीक है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको डिपेंड करता है किस पे मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे सिर्फ ठीक है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है हम लोग का तो देखो बताओ जल्दी से देखो कंसंट्रेशन सबका सेम सेम है कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन सबका सबका देखो सबका सेम दे दिया तो नंबर आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका सबसे ज्यादा आएगा जल्दी से बता दो देखो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किसका आएगा सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किसका आएगा हम लोग का जल्दी से बताओ हाँ आर्यन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो जो भी मेरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है किस पे डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है हम लोग का ठीक है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका ज्यादा आएगा मेरा देखो यहां पे इसमें क्या कैसे टूटेगा प्लस एनओ थ्री माइनस छूटेगा तो कितना पार्टिकल मेरा दो ठीक है एनएच फोर एनओ थ्री कैसे छूटेगा NH4 एच फोर प्लस एनओ थ्री माइनस ठीक है तो कितना हो गया ये दो हो गया स, फिर एन एच ठीक है तो एन ए प्लस ओ एच माइनस ठीक है तो ये भी कितना हो गया ये दो हो गया बट इस केस में देखो Na2SO4 टू एसओ फोर इसमें क्या होगा इसमें होगा टू एन ए प्लस एसओ फोर टू माइनस ठीक है यहां पे प्लस कर दो ठीक है ऐसा तो देखो इसमें कितना है इसमें मेरा तीन हो गया ओके ठीक है ओके समझ में आया क्यों ऐसा होगा हाँ बी होगा ठीक है हम ये बता रहे हैं कि और सब ऑप्शन क्यों नहीं होगा ठीक है चलो तो समझ में आया नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हम लोग देखेंगे पहले उसको हम लोग डिसोसिएट करके देख लेंगे अगर एग्जाम में ऐसा आया तो डिसोसिएट कैसे करेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस को हम लोग सेपरेट कर लेंगे ठीक है और कितना आएगा यहाँ पे कोफिसंट का ध्यान रखना है। देखो यहां पे टू है ना ठीक है इसका ध्यान रखना है। इसी टू के कारण यहां पे थ्री हो गया है ठीक है कि दो इसका मोल ऑफ दिस और वन मोल ऑफ दिस तो कितना हो गया थ्री मोल ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है द सोल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस दिसम एट 300 हंड्रेड केलविन इट्स कंसेंट्रेशन वुड बी बताओ मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया और हमसे क्या पूछ रहा है हमसे क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है हमसे हमसे पूछ रहा है कि इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा P इज इक्वल टू या फिर पाईज इक्वल टू तो सी आर टी हम लोग पढ़े हुए हैं R का वैल्यू क्या होता है हम लोग का आर का वैल्यू ले सकते हो वन बाई टूल्व भी ले सकते हो ठीक है अगर कैलोरी में आएगा तो टू कैलोरी लिया जाता है ठीक है यहाँ पे क्या में दोगे 300 और सी दिया दिया हुआ है, ये दिया हुआ है है सॉरी ये पी तो कंसंट्रेशन निकल जाएगा तो सी क्या होगा सी इज इक्वल टू पाई बाई आर टी ठीक है यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे टेम्परेचर का वैल्यू थ्री हंड्रेड ठीक है इसका वैल्यू वन बाई टूएल्व ठीक है इसका वैल्यू कितना मेरा कितना दिया 0.0821 एटीएम दिया हुआ है ठीक है तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 10 का आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का डी आंसर आ जाएगा ठीक है देखो r का वैल्यू ना r का वैल्यू अगर हम लोग 1/12 करेंगे तो कितना आता है इसके इक्वल आता है लगभग ठीक है तो ये से ये कट गया और 1/300 हो गया टेंपरेचर तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा मेरा डी ठीक है चलो ओके टेन इज इक्वल टू टेन जो भी लिखो जीरो पॉइंट जीरो थ्री थ्री मोलर ठीक है चलो फिर से इग्नोर किया कुछ लिखे हो क्या आदित्य सिंह कुछ पूछे हो क्या चलो डी ठीक है हाँ डी होगा इसका आंसर देखो कोई चीज अगर कोई चीज पूछना तो अगर हम उस समय पीछे नहीं देख रहे होंगे तो कैसे चैट पे देख पाएंगे ओके तो कोई चीज पूछना तो अगर हम नहीं रिप्लाई दिए ऐसा समझना कि अगर तुम्हारा वैलिड क्वेश्चन है तो हम वो नहीं देखे होंगे ओके चलो अब ये बोल रहा है कि बीच ऑफ फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फिर से सेम क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा प्रॉपर्टी है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा प्रॉपर्टी है मेरा बता दो फ्रीजिंग पॉइंट मेरा कौन सा है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है तो मेरा सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है ठीक है तो यहां पे तुमको मानना है कि सबका कॉन्सेंट्रेशन क्या है सेम है सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है यह बात मान के चलना है ओके ठीक है चलो तो देखो इलेवन में क्या हो जाएगा देखो के टू फोर है तो टू के प्लस और SO4 फोर टू माइनस तो कितना हो गया दो मोल इसका और एक मोल इसका तो कितना टोटल हो गया टोटल हो गया हम लोग का थ्री ये एनएससीएल है ये एन कितना हो गया टू यूरिया मेरा नन मतलब ये होता है ये सब डिसोसिएट नहीं होगा ठीक है तो कौन सा हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है ठीक है, चलो ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सोम कुमार नमस्ते नमस्ते जल्दी तो से कॉपी किताब लेके सॉरी कॉपी कलम लेकर के एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्यूशन जल्दी से बता दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है इसमें ए डेंसिटी एलिवेन का सॉरी सॉरी का, का बताओ कौन सा होगा हम लोग का सी होगा ना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है उसके बाद मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है ठीक है तो ये सब हम लोग का क्या होता है क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ठीक है तो कहने का क्या मतलब है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो देखो सीधा भाषा में सीधा भाषा में क्या समझोगे कि अगर किसी को किसी भी हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को क्या है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ठीक है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं डालते हैं तो क्या होता है इस सॉल्यूशन का जो ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है अब क्यों इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हम लोग का इसमें सरफेस एरिया जो होता है हम लोग का सरफेस एरिया जो होता है वो मेरा नॉन वोलाटाइज सॉल्यूट के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं कम कर देते हैं ठीक है इसके सरफेस पे क्या आ जाता है मेरा जो छोटा छोटा नॉन वोलाटाइज सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूल्स आ जाता है ठीक है तो इसीलिए क्या होता है मेरा मेरा बॉइलिंग पॉइंट मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है पॉइंट बढ़ जाता है ठीक है ठीक है चलो तो आ जाओ इसका हम लोग स्टैंडर्ड आंसर देख लेते हैं ये समझ के हम लोग क्या होता है तो ये क्या कह रहा है आ... देखो बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनिशन है सबसे पहला क्या हम लोग का Point का है, वो क्या है कि जो भी ऑस्मेटिक प्रेशर होता है जब हम लोग का, के होता है, किसी किसी का तो क्या कहते हैं उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते Now, अब क्या है ठीक है अब क्या है अब है हम लोग का कि अगर कोई हम लोग साल्ट ठीक है एडिशन ऑफ साल्ट या फिर कहो एडिशन ऑफ क्या एडिशन ऑफ कोई भी एडिशन ऑफ एनी Non -volatile, non -volatile solute, ठीक है ऐसा विच इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग राइडर अरे कोई नहीं यार मतलब क्या कहते हैं अरे उसका गलती नहीं है जिसे मान लो कि उसकी गर्लफ्रेंड जो थी ना मतलब वो मेरे साथ आ गई तो फिर यही दिक्कत हो गया बेचारा इसीलिए मतलब परेशान है तब से <laughs> उसपे <laughs> उस पर मत ध्यान दो ओके दुखी है बेचारा दुखी है अब क्या करे यार तुमको पसंद नहीं करती थी ठीक है दुख मत करो एग्जाम दो ठीक है चलो वो सब पे मत ध्यान दो ठीक है मत ध्यान दो उसका काम ही यही है क्या करेगा बेचारा दुख है दुखी है उसकी बंदी छोड़ के मेरे पास चली आई ठीक है चलो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट मत करो अपना टाइम किसी भी सब को मत दिया करो अपना टाइम मत दिया करो तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है ठीक है ठीक है तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है हम लोग का ये पिछला समझ में आया ये इसके पहले वाले में कोई डाउट है कोई डाउट होगा तो बताओ ये ये समझने में, में कोई डाउट हुआ कोई डाउट हुआ तो बताओ हम फिर से बताएंगे ठीक है बट समझ करके जाना ऐसा नहीं कि बिना समझे चले जाना ओके <laughs> चलो हाँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन वो भी कह सकते हो ठीक है कि पहले मेरा सॉल्वेंट था ठीक है पहले क्या था मेरा कोई एक सॉल्वेंट था अब उसमें हम लोग कोई एक सॉल्यूट डाल दिए तो क्या हो गया मेरा सॉल्यूशन बन गया ठीक है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो ये भी कह सकते हो बट वो दूसरे दूसरे सेंस में पूछ रहा है ठीक है चलो तो पाई अमित कुमार पाई इज इक्वल टू सीआरटी होता है ठीक है पाइज इक्वल टू पाइज इक्वल टू सीआरटी होता है ठीक है वो कैसे होता है पाइज इक्वल टू सीआरटी वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर देंगे देखो कहीं भी डिफिनीशन आएगा कहीं भी डिफिनीशन आएगा ठीक है कहीं भी डिफिनीशन आएगा तो उसके पहले डिफाइन करना डिफाइन करने के बाद क्या लिखना उसका फॉर्मूला लिखना ठीक है पाइज इक्वल टू सी ठीक है और यहां पे सिर्फ फॉर्मूला लिख के मत छोड़ना क्या करना टी टी को अगर टाइम है तब टाइम है अगर तो टी को क्या रिप्रेजेंट करता है तो टेम्परेचर ठीक है सी क्या रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन कौन, ठीक है ऐसे ऐसे सबको डिनोट कर देना तो क्या लगेगा इससे तुम्हारा आंसर बहुत सुंदर लगेगा ओके चलो बॉइलिंग और बॉयलर में तो मतलब जिसमें हम लोग पानी वानी गरम करते हैं दूध गर्म करते हैं उसको कहते हैं ना ठीक है चलो हाँ ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर का सही है है ठीक कि एक्स्ट्रा प्रेशर जो अप्लाई करते हैं हम लोग ठीक है चलो नेक्स्ट ये जैसे बताए हैं वैसे शॉर्ट आंसर को लिखना ठीक है वो ज्यादा सुंदर लगता है और ज्यादा इफेक्टिव होता है तो टीचर के पास कोई भी लाइक like, रीजन नहीं रहेगा कोई भी कारण नहीं रहेगा कि वो आपका ठीक है वो आपका, आ, क्या करे? वो आपका आपका क्या क्या करे मार्क्स काटे ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस रॉड्स लॉ ऑफ ऑफ रिलेटिव वेपर प्रेशर ठीक है तो हम आर एल वीपी इसको शॉर्ट में कहते हैं और आर एल पी के बारे में हम लोग बात किए हुए हैं ठीक है आर एल वी पी के बारे में हम लोग बात किए हुए हैं कैसे बात किए हैं तो देखो यहाँ पे हम तुमको स्लाइड भी दिखा सकते हैं कि हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, वेपर प्रेशर के बारे में अच्छे से बात किए हैं ठीक है, है? किसके बारे में बात किए हैं? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में अच्छे से बात किए हैं लॉ में, ठीक है तो डिटो वही हम लोग को चीजों को सेम टू सेम लिख देना है ठीक है देखो यहां पे देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ठीक है है ना यहां पे डिटो पूरा चीज डिस्कस किया हुआ है पहले ही ठीक है हा अमित कुमार आर स्टैंड यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट हां सूरज कुमार पीडीएफ मिल जाएगा आपको आदित्य राज सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन केमिस्ट्री का कोई इंतजाम करवा दो ठीक है चलो तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग वहां इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं कैसा सॉल्यूशन दिया हम लोग का ठीक है आओ देखते हैं RLBP, यहां था किसके बीच में तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और, और कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन ठीक है किसके बीच में था रिलेशन ये? ये रिलेशन था रिलेशन किसके बीच में था ये रिलेशन था आर एल बी पी के बीच में एंड किसके बीच में कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन के बीच में क्या था ये? ये हम लोग का क्या था ये आ, क्या था रिलेशन था ठीक है तो उस रिलेशन में क्या हुआ हम लोग का उस रिलेशन में क्या हुआ ठीक है उस रिलेशन में क्या हुआ पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट इज इक्वल टू ये आया ठीक है तो रॉड्स लॉ हो गया ये किसका है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आ, हम सर सॉरी एल पीडीएफ पी कहां से मिलेगा इसका टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे आर इज डिफाइंड एज देखो आ, ओ सामा अगर सिर्फ ऊपर वाला टर्म है पी नॉट तो ये क्या कहलाएगा ये लोअरिंग कहलाएगा बट हम जब इसको कंपेयर कर दिए डिवाइड कर दिए किससे, पी नॉट से तो रिलेटिव लोडिंग का आ गया ठीक है ठीक है चलो हाँ रिलेटिव सही डेफिनेशन है ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट से बढ़ते हैं एक्सप्लेन रॉल्स लो रॉल्स लो को हम लोग अभी एक्सप्लेन किए हैं फिर से ये क्वेश्चन शायद दो बार क्वेश्चन आया होगा ठीक है तो वही जो पीछे हम लोग किए हैं वही है कि पार्शियल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन ठीक है तो ये दूसरे फॉर्म का लॉ का पूछ रहा है तो ये भी हो गया हम लोग का ठीक है अब देखो अब आता है एक न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल क्या कहता है हम लोग का ठीक है चलो सर फिजिक्स टू मार्क्स एंड फाइव मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हो सिद्धार्थ निगम चलो क्वेश्चन क्या है सॉल्यूट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट पूछ रहा है आपको तो क्या होगा ऑफ सॉल्यूट हम लोग का क्या दे दिया हम लोग का डेल टीबी दे दिया डेल टीबी दे दिया डेल टीबी कितना दिया वन डिग्री दे दिया सॉरी वन डिग्री दे दिया ये आप लोग को ठीक है और क्या क्या दे दिया हम लोग को सॉल्यूट कितना सॉल्यूट ऐड किया गया वो दे दिया और कितना मेरा ये सॉल्यूशन बना हंड्रेड ग्राम का सॉल्वेंट है मेरा वो भी दे दिया ठीक है तो और क्या चाहिए हमको बस मोलिकुलर मास चाहिए तो हम लोग पढ़े हुए हैं कौन सा फॉर्मूला डेल टीबी डेल ठीक है ये पढ़े हुए हैं तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे इसका हम लोग मोलिकुलर मास निकालेंगे ठीक है डेल टीबी हम लोग जानते हैं इसके बारे में ठीक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और उससे करके हम लोग क्या करेंगे उसका <laughs> ठीक है चलो ओके सर जेई एग्जाम के पॉइंट से क्या ये बता सकते हो क्या कि केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास इलेवन ट्वेल्थ प्लीज बता देना जेई देना है और इसका डेट डिक्लेयर हुआ है देखो आदित्य सिंह तुम गलत जगह पे आए हो ठीक है तुमको जेई के लिए तुम यहां पे नहीं आ सकते बट फिर भी हम तुमको बताते हैं कि जेई में इलेवेंथ ट्वेल्थ में सबसे पहले तो ठीक है सबसे पहले क्या करो सबसे पहले तुम क्या कर लो सबसे पहले तुमको यह करना चाहिए कि तुम एन को रट जाओ कि एन का कोई भी ऐसा चीज नहीं रहना चाहिए एन का कोई भी ऐसा चीज नहीं रहना चाहिए कि जो तुमको नहीं आता हो ठीक है एन का कोई भी ऐसा चीज नहीं रहना चाहिए जो तुमको नहीं आता हो इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में प्लस इसी दोनों से ज्यादा क्वेश्चन बनता है ओके और उसके बाद ठीक है चलो तो पहले तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक हर एक रिएक्शन एनसीईआरटी से याद कर लियो और प्लस जो कोचिंग में कराए हो वो तो है ही तो इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि कोई कोई छोटा केमिस्ट्री में बहुत सारा टॉपिक है फिजिक्स में जाओगे तो जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं मॉडर्न फिजिक्स के ठीक है वो सब ज्यादा वेटेज हो जाते हैं ठीक है चलो अफ्सर राजा के अंकल कोई बात नहीं <laughs> खास चलो तो देखो क्या कर सकते हो तो हम लोग करके ऐसे करके निकाल लेंगे कोई इसमें इशू नहीं है हम लोग को ठीक है कोई भी इशू इसमें नहीं है ओके चलो नेक्स्ट इस प्रेम कुमार इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ठीक है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2.46 एटीएम एट 27 डिग्री सेल्सियस देखो हम अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन बताए हैं कैसा क्वेश्चन बताए हैं जिसमें पाई इज इक्वल टू सीआरटी हम लोग यूज किए हैं ठीक है उसमें पाई क्या था मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ठीक है सी क्या था कंसंट्रेशन था तो देखो हमसे क्या पूछ रहा है कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो सी इज इक्वल टू पाई बाय टी ठीक है और टी क्या है टी है मेरा टेम्परेचर टेम्परेचर किस में मेरा केल्विन में हमेशा याद रखना ठीक है और आर का वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना है मेरा 0.0821 या फिर 1/12 ले लो ठीक है और पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.46 दिया हुआ है ठीक है तो इसका 0.01 आंसर है क्या? कितना? है 1.86 के आसपास। ठीक है? तो देखो ये टेम्परेचर को चेंज किया 27 प्लस 2 से 23। आर का वैल्यू ले लिया। ठीक है? आह ये कुछ गलती किया है क्या? पाई 46 डिवाइडेड बाई 300 इनटू ये वाला वैल्यू नीचे आएगा। ठीक है? 0.082। ठीक है? और ये भी है शायद ऊपर में टू पॉइंट फोर सिक्स है ना यहां पे थोड़ा गलती है ठीक है सुधार लियो इसको ठीक है ये थोड़ा टाइप में मिस्टर मिस्टेक है अच्छे से प्रिपरेशन करना आदित्य सिंह अच्छे से प्रिपरेशन करना ठीक है चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलो इसको सॉल्व कर लेना ठीक है इसका सॉल्व करके आंसर लिख लेना अपना ठीक है हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे बट इसका आंसर सॉल्व करके लिख लेना ओके okay? चलो ये आंसर पे ध्यान मत देना ये सॉल्व करके देख लेना एक बार ओके okay? चलो नेक्स्ट

तो देखो हम लोग का जो पाई रहता है पाइज इक्वल टू सी आर टी रहता है ना पाइज इक्वल टू सी आर टी रहता है तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग को फाइव परसेंट सोल्यूशन है कि मेरा लीटर में 5%, तो मास ऑफ यूरिया कितना है सिक्सटी ग्राम पर मोल है ठीक है तो सिक्सटी इंटू जीरो पॉइंट वन डिवाइडेड बाई सॉरी ऊपर में फाइव और नीचे में ये ठीक है ऐसा तो फिर उसके बाद क्या है मेरा आर है तो आर हो गया और टी है तो 273 केल्विन दिया होगा पक्का देखो हाँ केल्विन में दिया है तो चेंज कर लेना टेम्परेचर को केल्विन में ओके चेंज कर लेना टेम्परेचर को केल्विन में ठीक है चलो किंग ऑफ बिहारी बीवीआई नहीं है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ओके बट बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन आता है लगभग पूरा क्वेश्चन इसके बाहर का जाता ही नहीं है ठीक है तो इसीलिए ट्राई ये है कि पूरा क्वेश्चन आपको एक बार हू आपको बता दिया जाए ताकि आप एग्जाम में बैठो तो आपको सब चीजें पता हो थ्यूरी भी ऑब्जेक्टिव भी ये भी ठीक है हाँ केल्विन में चेंज करेंगे हम लोग ठीक है केल्विन में चेंज करेंगे पहले ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डायलूट सोलूशन राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग में इसके बारे में पढ़े हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है हम लोग को इसको लिखना ठीक है देखो क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है solution, ठीक है कंटेनिंग नॉन एग्जिबिट सम स्पेशल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सोल्यूशन ठीक है तो ये किस किसपे डिपेंड करता है ऑनली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द अमित कुमार इज इट बेनिफिशियल फॉर सीबीएसई बोर्ड देखो ना पढ़ाई हाँ दोनों का अलग थोड़े ना है सीबीएसई का बिहार बोर्ड का ठीक है पढ़ाई अलग अलग नहीं है सिलेबस मतलब 90% परसेंट सेम ही है ठीक है बट क्वेश्चन ज्यादा हल्का आता है बिहार बोर्ड का ठीक है सीबीएसई का थोड़ा रिलेटिवली टफ आता है ओके चलो ठीक है तो देखो ये हो जाएगा तो कौन कौन सा है हम लोग का क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है ऐसा तो टोटल तो चार तरह का क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज है ठीक है अब सर राज नहीं होगा लाइव डिलीट नहीं होगा लाइव डिलीट नहीं, नहीं होगा ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आपको बताए हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है द टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेंपरेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ठीक है आइसोटोनिक्स हैव इक्वल मोलर कंसंट्रेशन ठीक है इक्वल मोलर कंसंट्रेशन होता है ओके फियर फॉर एग्जाम सर देखो एग्जाम से डरो मत क्यों नहीं डरो ठीक है क्योंकि आ, क्योंकि बहुत सारे आपको एग्जाम्स देने हैं आप ठीक है एग्जाम से डरना नहीं चाहिए हमको बस एग्जाम से इस बात के लिए डरना चाहिए ठीक है हमको इसलिए देखो हम लोग को इसलिए एग्जाम से डरना चाहिए क्योंकि हमको बस जितना जानते हैं वो एग्जाम में अगर हम अच्छे से रिप्रेजेंट करके आ गए लाइक कॉपी पे लिख करके आ गए जितना जानते हैं वही चीज होना चाहिए ठीक है चलो तो ये क्या है? जीरो पॉइंट नाइन परसेंट सोडियम सोल्यूशन तो ये एक एग्जाम्पल ले लिया ठीक है वैसे हम लोग का आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का आइसोटोनिक सोल्यूशन का डेफिनेशन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम का? Next question है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन बताओ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है जल्दी बताओ देखो घर में अगर अगरबत्ती जलता है मान लो तुम अगरबत्ती जलाए हो घर में पूजा पाठ तो तुम लोग नहीं करते हो इतना तो विश्वास है ठीक है बट फिर भी उम्मीद करते हैं कोई करता हो सुबह उठ के ठंडा में सुबह उठ पाते हो वो भी नहीं होता होगा ठीक है तो मान लो ये अगरबत्ती है ये जलता है तो इसका जो धुआं होता है या फिर कहो इसका जो एसेंस होता है जो भी इसका स्मेल होता है वो क्या पूरे कमरे में जो फैलता है उसको क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं वो कौन सा फेनोमेना है ये है मेरा डिफ्यूजन ठीक है कौन सा फेनोमेना है डिफ्यूजन ठीक है तो यहाँ पे <laughs> बिल्कुल नहीं चलो देखो द टू प्रोसेस ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन कैन बी डिस्टिंगिस्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग एक्सपेक्ट तो कौन कौन सा है तो इन डिफ्यूजन सॉल्यूट एज वेल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन वायर इन ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अकर इन वन डायरेक्शन ऑनली ठीक है थ्रू एस पी एम वन डायरेक्शन ओनली थ्रू सेमी ठीक है सेमी परमियबल में ठीक है हाउदित राज मिल जाएगा ओके हाँ देखो डिफ्यूजन क्या होता है अगर बत्ती जला दिए उसमें क्या होता है मेरा एयर भी मिक्स होता है जो वो एसेंस रहता है वो भी मिक्स होता है ठीक है हाउदित राज मिल जाएगा आपको लेक्चर का पीडीएफ ओके ठीक है तो क्या है ऐसा फॉर ऑस्मोसिस अ सेमी परमीएबल मेंब्रेन इज रिक्वायर्ड बट फॉर डिफ्यूजन इट इज नॉट रिक्वायर्ड तो डिफ्यूजन हवा में जब होता है तो हम लोग का कोई भी लाइक like, रिक्वायर्ड uh, नहीं होता है उदितराज मिलेगा आपको टेलीग्राम पे ये सर अब से सर कहते हैं कि एग्जाम देने से जाते समय कोई साथ ना जाएंगे हमारे साथ ना टीचर ना फैमिली का कोई मेंबर जाएगा तो सिर्फ सिर्फ एक पेन खुद में उस टाइम कोई साथ नहीं रहेगा ऐसा नहीं ना उस उस समय देखो मतलब आ, तुम लोग मतलब हम लोग खुद हम लोग बिलेव नहीं करते देखो तुम एग्जाम देने जा रहा है ना तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पेरेंट्स घर में जो भी हो ठीक है तुम्हारा दोस्त ठीक है आ, खुद टीचर्स लोग ठीक है ये सबका ब्लेसिंग्स रहता है क्या रहता है ब्लेसिंग्स रहता है ठीक है सबसे पहला बात ये ब्लेसिंग्स रहता है दूसरा क्या रहता है दूसरा ये होता है ना कि अहम ब्रह्मास्मी ठीक है, है तो हम लोग भी रहते हैं वो अंदर में रहता है सब काम कर रहा होता है तुम अगर मेहनत किया है तो ये लाइन पर हो ना कि ये मेहनत किया है तो कभी भी मतलब वेस्ट नहीं जाता यार तुम अगर पढ़े हुए हो तो एग्जाम में जाकर तुमको ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुम <coughs> खाली बैठे हुए हो तुम कुछ ना कुछ लिखोगे <coughs> वाले को रख लेना ठीक है चलो ये पीडीएफ चला जाएगा स्क्रीनशॉट क्यों मिलेगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर देखो फिर से वही क्वेश्चन प्रूव डेट ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी देखो ठीक है चलो आते हैं इसका सॉल्यूशन पे

होता है ना हम लोग का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो आ गया ना मेरा मोल्स आ गया ना सोल्यूट का तो वही तो मेरा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ठीक है हाब सही है तुम्हारा पाई इक्वल टू सी आर टी ठीक है तो दिफ, देखो डिफिनेशन जहां भी पूछे उसका डिफाइन करके उसका कोई फॉर्मूला है वो लिख करके प्लस फॉर्मूला में सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी लिखना ठीक है हाँ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ठीक है कंसंट्रेशन अगर हम मोलारिटी के बारे में बात कर रहे तो ठीक है तो क्या हो जाएगा मेरा ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वही तो कहता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कि अगर मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा तो क्या होगा रुचि मेहता हमको लगता है आपके घड़ी का टाइम इधर उधर हो गया है ठीक है क्लास शायद वो क्लास भी सही थोड़ा पांच मिनट पहले हुआ स्टार्ट हुआ है फाइव टेन के अराउंड ये क्लास भी सिक्स थर्टी थ्री के अराउंड स्टार्ट हुआ है ठीक है तो कुछ आ, अपने यूजुअल टाइम पे हुआ है फोर फाइव मिनट्स प्लस माइनस ठीक है ओके चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डिप्रेशन ऑफ फीजिंग पॉइंट व्हाट डू यू मीन बाई टर्न डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है से। तुम देखना एग्जाम में प्रीवियस ईयर से बाहर नहीं पूछता है ठीक है प्रीवियस ईयर से बाहर नहीं पूछता अगर अच्छे से प्रीवियस ईयर को कर लिए हो तो वो नहीं पूछेगा बाहर ठीक है देखो इसका सोल्यूशन क्या है ये है हम लोग का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है ये कैसा है मेरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और कहता है क्या है ये कहता है कि अगर कोई मेरा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आता है ऐड होता है तो क्या करता है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट घटा देता है अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तो बोलेंगे तो वो बढ़ा देता है <laughs> देखो ना मुस्कान ये सारा चीज रिपीट हो रहा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर कितना बार रिपीट हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग रिपीट हुआ ठीक है तो एक ही चीज को रिपीट कर करके फायदा नहीं है ना ठीक है तो उसमें कोई अलग बात नहीं है हाँ रुचि यही होगा निक्टो लवर सर मिशन बैच बायो क्लास कितने बजे होगा देखो मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं पता है बट इसके बाद होना चाहिए ठीक है ओके चलो तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत आ रहा है ना इसीलिए हम मतलब हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे क्यों क्योंकि हम पहले इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ठीक है तो रिपीट होते जा रहा है ना अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा ना कि अगर कुछ आपको वैल्यूएबल नहीं दे रहे हैं तो ठीक है इट इज गिवन बाय टीएफ टी हाँ वही होगा अभिनव ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट लॉ ऑफ ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हाउ इज इट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मोलिकुलर रेट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट कोई सॉल्यूट है तो उसका कैसे हेल्पफुल होता है हम लोग का डिटरमाइन करने में ठीक है अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ वेन टाइज सोल्यूट इज एडेड टू द दोल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज एंड नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू ऑफ सॉलिड सोलवेंट ठीक है एट लोअर टेम्परेचर दस पॉइंट ऑफ सोलवेंट डिक्रीजेज क्या होता है हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट क्या होता है डिक्रीज कर जाता है और जो भी एक्सपेरिमेंट होता है उससे क्या पता चला डेल टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ इन टू एम ठीक है क्या हुआ के एफ इंटू एम हो गया हमका मतलब हम लोग का ठीक है मुस्कान सिंह गुड इवनिंग गुड इवनिंग आंसर ठीक है कोई डाउट इसमें देखो ना इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं ना रॉड के बारे में पढ़े हैं ये डेल्टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम पढ़े हैं हम लोग तो कोई नया चीज नहीं ना है ठीक है ये तो पुराना चीज है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट चलो वो भी कह सकते हो और एक ये भी होता है हम लोग का ये वाला फॉर्मूला भी कंसंट्रेशन के टर्म में ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हम लोग का देखो यहाँ पे एम क्या है एम क्या है मेरा मोलालिटी मोलालिटी क्या होता है मेरा वेट बाय मोलिकुलर वेट वेट बाय मोलिकुलर वेट क्या हो गया मेरा मोल्स हो गया ठीक है और ये क्या हुआ मेरा सॉल्वेंट का वेट हो गया इन ग्राम्स सॉल्वेंट का वेट इन ग्राम से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया मेरा ये चेंज हो गया के में तो देखो के एफ का वैल्यू ये आया हम लोग को डेल टी एफ बेसिकली ये आया वैल्यू हम इसको मिटा देते हैं ये आया वैल्यू हम लोग का डेल टी एफ का ओके ये आया वैल्यू हम लोग का डेल टी एफ का ठीक है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन नॉन एज मास बेसिकली क्या बता रहा है ये बता रहा है कि ये फॉर्मूला को के एफ डॉट एम था ना के एफ डॉट एम था ना तो इस एम को तोड़ के बताया कि मोलिटी क्या होता है मोललिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं

देखिए रॉल्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं ठीक है कि क्या होता है? उसी को फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म्स में पूछ रहा है तो क्या होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ओके <coughs> नहीं सलो नहीं लॉन्ग आंसर नहीं है शायद लॉन्ग आंसर नहीं है हमको याद नहीं शायद नहीं होना चाहिए ठीक है ठीक है चलो तो ये क्या कहता है ऐसा और जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है कंसंट्रेशन यानी कि मोलालिटी के इक्वल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिटी के होता है ठीक है और मोलालिटी का वैल्यू क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोलवेंट वेट ऑफ सोलवेंट इन जी ठीक है तो ये हो जाता है हम लोग का ओके चलो नेक्स्ट ठीक है तो ये इतना लॉन्ग हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है सिर्फ ये वाला पार्ट पीछे ऐड कर देना और हम लोग का काम हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट ये शायद लॉन्ग है क्या ये लॉन्ग ही आंसर क्वेश्चन है ओके वन टू है वन टू करके दिया है देखो ये लॉन्ग है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था ये ठीक है लॉन्ग आंसर था ठीक है ये लॉन्ग आंसर था ठीक है चलो वाट डू यू मीन बाय टर्म एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखो फिर से रिपीट हुआ ना ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विपुल कुमार अब समझ में आ गया चलो विपुल बढ़िया देखो ये फिर से रिपीट हुआ है हम लोग इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं अभी तक देखो शॉर्ट आंसर में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो लॉन्ग आंसर का जो भी थ्योरी रहता है ना पहले ही क्लियर हो जाता है ओके okay? देखो इस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा ये हम कैसे बता सकते हैं हमको क्वेश्चन का सोल्यूशन तो पता नहीं है ठीक है बट फिर भी जो अगर हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं फर्स्ट जो देखते हैं वो ये चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है ठीक है इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है ठीक है तो अगर हम तुमको अगर पुराना हिसाब से बताएं पुराना हिसाब से अगर बताएं कि चैप्टर चैप्टर टू का वेटेज लगभग दस से बारह मार्क्स के आसपास है क्या है मेरा दस से बारह मार्क्स ठीक है दस से बारह मार्क्स के आसपास इसमें आ सकता है आपको ठीक <coughs> हाँ है बिना आपका ठीक है रुचि देखो पे ऐड करना होगा रुचि आपको नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ठीक है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपको ऐड करना होगा ठीक है <laughs> <laughs> देखो, देखो ना सबसे ऊपर अभी चैट देखो <laughs> ना पूछता सर आपका मैरिज हो गया <laughs> <laughs> भाई चैटबॉक्स में हम लोग चैट को क्यों देखते हैं चैट को हम लोग इसलिए देखते हैं कि चैट में आप लोग कोई क्वेश्चन पूछोगे तो हम लोग आंसर देंगे ठीक है बट वो क्वेश्चन ये टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए ठीक है चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए ठीक है, तो है। <laughs> भाई हम स्माइल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि तुम लोग मतलब ये देखो ना बोर्ड एग्जाम है तुम लोग का मतलब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ प्लीज सीरियस हो जाओ ठीक है अपने लिए नहीं तो हमारे लिए हो जाओ हमारे लिए नहीं तो मतलब अपने पेरेंट्स के लिए या फिर किसी के लिए भी हो जाओ यार देश के लिए ही हो जाओ कंट्री के नाम पे बहुत आता है पंद्रह अगस्त को स्टेटस लगाओगे उस <laughs> वो ठुकरा के तुम्हारा प्यार वाला भी हो जाओ सीन है तो अगर उसके लिए भी हो जाओ यार किसी के लिए भी बट हो जाओ सीरियस हो जाओ ठीक है सीरियस हो जाओ वरना पछताओगे और बहुत याद आओगे <laughs> चलो ठीक है मजाक बाद में अब कंप्लीट करते हैं इसको तो देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को पता है कि कोई भी अगर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है <laughs> हाँ हम सेक्सरी बोल नहीं पीछे से <laughs> इन सब के टॉपिक पर जाना ही नहीं है भाई <laughs> सब मस्ती शुरू कर देता है <laughs> देखो, देखो देखो, पे पे आ जाओ पे आ जाओ जाओ, भाई, ठीक है? फिर लॉ लॉ और determining the molecular of solution. देखो ये चीज़ देखो, के बारे में पूछ रहा है और बोल रहा है कि ये कैसे हम लोग को हेल्प करता है किससे ठीक है कैसे हेल्प करता है रॉड्स लॉ एनी सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन दिस सोलूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन हम लोग को पता है इसके बारे में ठीक है तो देखो इससे हम लोग क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये कांस्टेंट होता है हम लोग का ठीक है तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं देख लो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ठीक है चलो नेक्स्ट हाँ रोशन सिंह प्रीवियस ईयर सॉल्व करने कि, कितना अच्छा पूछ रहा है कितना प्रीवियस ईयर सॉल्व करें भाई पूरा कर लो ना पूरा कर लो ठीक है पूरा कर लो जितना हो सकता है उतना कर लो ठीक है ठीक है फ्रॉम अबव रिलेशंस वी गेट वोलेटाइल कंपोनेंट और वेपर प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी वेपर प्रेशर होता है ठीक है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है उस गैस गय, का उस, उसमें जो कंपोजिशन होता है उसके कितना उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है आप पढ़ लो पहले सर ये करने से कितना मार्क्स आ जाएगा देखो प्रीवियस ईयर कर लो ना दस से बारह मार्क्स इस चैप्टर से आता है तो एक या दो नंबर मान लो टीचर काट लिया आपका दुश्मनी से ठीक है तो फिर भी आपको नाइन या टेन आ सकता है अगर अच्छे से कर लिए तो ठीक है जितना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का अगर अच्छे से कर लिए तो ठीक है आ जाना चाहिए कोई रीजन नहीं रहा है कि नहीं आएगा ठीक है चलो डिफ्रेंसिएट बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन ठीक है ये हम लोग देखो पहले भी पढ़े हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में क्या डिफरेंसिएशन है ठीक है अब देखो हाउ इज ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइंड बाई बर्कली हार्टले मेथड अब ये बोल रहा है कि ऑस्मोसिस प्रेशर हम लोग आ, बर्कली हार्टली मेथड से कैसे करते हैं हम लोग बर्कली हार्टली मेथड से कैसे डिफरेंस करते हैं ओके चलो देखो तो हम लोग ये पहले पता है टू प्रोसेस ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ठीक है सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है फॉर ऑस्मोसिस ठीक है सेमी सेमीपेमल ये हो गया हम लोग का ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है मेरा हम लोग का वो डिटरमाइन करना है किसके बर्कले हार्टले मीटर से डिटरमाइन करना है ठीक है इसमें सिर्फ इसी का दिया हुआ है इसका ऐड नहीं किया हुआ है ठीक है एक बार इसको चेक कर लेना आपने से बर्कली हार्टले मीटर से एक बार चेक कर लेना ओके चलो ये दिया हुआ क्वेश्चन न्यूमेरिकल है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वाज एक और बात देखो न्यूमेरिकल आसान आसान पूछेगा बोर्ड्स में ठीक है आपको 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 ए, आ, जो भी न्यूमेरिकल आसान आसान पूछेगा डायरेक्ट फॉर्मूला पे पूछेगा ठीक है वो क्या करोगे उसको आप ट्राई करो कि मतलब वो जो न्यूमेरिकल का मार्क्स है न्यूमेरिकल का मार्क्स है उसको पूरा पूरा लेने का क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला क्या होता है इसमें फॉर्मूला में डाल के आंसर लाते हैं हम लोग अगर आंसर सही तो टीचर नंबर काट ही नहीं सकता है बट जो भी मेरा स्टेटमेंट रहता है शॉर्ट आंसर में शॉर्ट आंसर में या फिर लॉन्ग में क्या रहता है मेरा स्टेटमेंट रहता है तो स्टेटमेंट में वो कुछ मार्क्स काट सकता है ठीक है तो इसीलिए न्यूमेरिकल मेरा ज्यादा अच्छा होता है ओके चलो तो देखते इसका सोल्यूशन क्या है क्या पूछ रहा को, with, तो हम को, है हमको टेम्परेचर विथ विल वाटर है इसका दे दिया कितना वेट दे दिया वन के जी ऑफ वाटर दे दिया और क्या क्या दे दिया हमको प्रेशर दे दिया ठीक है और के भी हम लोग को दे दिया पता है जीरो पॉइंट फाइव टू फोर वाटर तो देखो सिर्फ फार्मूला पे पुट किया ये, ठीक है फॉर्मूला पे पुट किया ना ठीक है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को पता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस कितना हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है और उसमें कितना ये चेंज आया ये चेंज आया जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू तो कितना हो जाएगा आप जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू एड कर दो ओके चलो <laughs> पाँच दस ऐसा न्यूमेरिकल बता दीजिए एग्जाम में आ जाए मतलब सोच रहा है। <laughs> यार अच्छे से पढ़ो ना आ जाएगा ठीक है आ जाएगा ठीक है प्रीवियस ईयर का कर लो जो जो बड़ा न्यूमेरिकल है ओके okay. ऐसा सा न्यूमेरिकल का चांस रहता है एग्जाम में आने का कितना ही चैप्टर है चार या पांच चैप्टर हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री का ठीक है जिसमें न्यूमेरिकल्स आ रहा है तुमको ठीक है तो ट्राई करो अच्छे से करने का ठीक है चलो <coughs> बस ना भी? हम फास्ट नहीं है देखो यहां स्लाइड नंबर देखो कितना है नाइनटी फोर है है ना अब सोचो जो जो चीज आ रहा है पहले रिपीट हो रहा है ठीक है जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम लोग शॉर्ट एंसर में किए हैं ऑब्जेक्टिव में हम आपको सेम चीज समझाए हैं ठीक है और फिर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट क्लास से क्या होगा नेक्स्ट क्लास से मेरा चैप्टर थ्री शुरू होगा ना ठीक है तो नेक्स्ट क्लास से चैप्टर थ्री शुरू होगा तो दो स्लाइड बाकी है, तो उसको हम लोग चाहेंगे ना कि थोड़ा टाइम पांच मिनट ज्यादा चला जाए बट इसको ऐड हो जाए ठीक है <coughs> चलो <coughs> चलो रेडी व्हाट डू यू मीन बाई वेपर प्रेशर प्रेशर हैेशन वोलाटाइज सोल्यूट इज डिजॉल्व इन सोल्यूशन नॉन वोलाटाइज सोल्यूट देखो फिर से वही है कि नहीं कि मेरा वेपर प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर में क्या चेंज आता है और फिर क्या होता है जब मेरा वोलाटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम लोग ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो क्या होता है ठीक है आज तक कोई भी फास्ट एवरेज नहीं ना होता ठीक है कोई भी फास्ट एवरेज नहीं होता ठीक है चलो तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखो क्या है एट एनी टेम्परेचर प्रेशर इटेड बाय द गैसियस द फ्री सरफेस यहाँ पे सर्विस नहीं है यहां पे क्या होगा सरफेस है ठीक है सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ठीक है ऑफ द लिक्विड एट दिस टेम्परेचर इफ वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन सोलवेंट देशर ऑफ दूसर सोलवेंट अगर कोई मेरा सोल्यूट अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा मेरा vapor pressure बढ़ जाएगा. ठीक है क्योंकि जो भी vapor pressure आएगा वो सोल्यूट क्या है? Volatile है मतलब उसका भी आएगा प्रेशर तो मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा बट अगर कोई नॉन वोलाटाइज सोल्यूट आएगा नॉन वोलाटाइज सोल्यूट आया तो वो तो वेपर नहीं ना बनेगा वो तो वेपर नहीं बनेगा तो क्या होगा मेरा वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा कम हो जाएगा देन प्योर सॉल्वेंट ओके <स्थाँग> देखो जो भी मेरा अगर भोलाटाइज सॉल्यूट है तो भोलाटाइज सॉल्यूट क्या होगा वो भी भाप बनेगा या फिर वेपर बनेगा तो क्या हो जाएगा पहले तो सॉल्वेंट का वेपर प्लस भोलाटाइज सॉल्यूट का वेपर तो क्या हो गया वेपर प्रेशर बढ़ गया बट नॉन वोलाटाइज सोल्यूट है तो क्या होगा नॉन वोलाटाइज सोल्यूट उसका सरफेस एरिया को कम कर देगा उसके सरफेस एरिया को क्या करेगा कम कर देगा तो क्या होगा सरफेस एरिया को कम करने के कारण क्या होगा उसका जो भी वेपर प्रेशर होगा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है ओके okay? ओके okay, चलो हाँ डिक्रीज हो जाएगा किस केस में सेकेंड केस में जब मेरा नॉन वोलाटाइज सोल्यूट एड रहेगा तब देखो आपके लिए एच डब्ल्यू है एच डब्ल्यू क्या है कि इस क्वेश्चन का स्लाइड एडेड नहीं था बर्कली हार्टले सॉल्यूशन का बर्कली हार्टले मेथड का नहीं था तो ये वाला आप अपने से कर लेना इसका सेकेंड पार्ट इसका सेकेंड पार्ट अपने से कर लेना एक एच डब्ल्यू है ठीक है याद से कर लेना इसको ठीक है ओके एक बार इसको अपने से कर लेना ठीक है बस ये वाला चीज तुमको तुम पे छोड़ रहे हैं एक बार याद से क्लास खत्म होने के बाद ढूंढ के कर देना ओके ओके बिपिल कुमार ट्राई करेंगे लेने का ठीक है बट कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते ठीक है ठीक है सर ठीक है चलो बाय बाय एवरी वन हा ट्राई करना ना एक बार सही रहेगा ओके ट्राई करना सही रहेगा और ट्राई करना कि खुद से करने का ठीक है जो जो इंपॉर्टेंट है खुद से करना और मेहनत करना प्लीज 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 टाइम वेस्ट मत करना प्लीज टाइम वेस्ट मत करना ठीक है क्या करना पढ़ाई करना या फिर रिवाइज करना ठीक है टाइम वेस्ट मत करना प्लीज या दोनों करना ओके बाय ठीक है हाँ संदीप ट्राई करना ना प्लीज ट्राई करना ठीक है चलो बाय